नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ ने 1990 में जो बालकों के लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित जो बालक है उनके लिए जो पक्ष रखे थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग स्वास्थ्य संबंधी बात कर ली थी। आज हम लोग आगे के जो पक्ष है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 प्रत्येक परिवार में जन्म लेने में
जन्म लेने वाले बालकों तक पहुंचाया जाए। मतलब कि क्या बात की गई कि बालक जन्म लेता है, उसके बाद जो उसको उसके अनुरूप भोजन नहीं मिलता है और वो कुपोषण का शिकार होता है, इससे संबंधित मतलब कि बालक व्यवस्था
होनी चाहिए। मतलब कि जो घरों में पल रहा बालक है उसे उचित प्रकार की सुविधाएं मिले, उसको पूरा पोषण मिले, इस प्रकार की सरकार ने मतलब पोषण युक्त भोजन हो, अलग प्रकार की सुविधा है वो सारी की जाए, इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ये बात रखी गई। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं शिशु को मतलब कि ये बात भी कही गई कि जो छोटे बच्चे हैं जो शिशु हैं उन्हें 4 से 6 माह तक माता का दूध दिया जाए, जिससे कि बालक का जो मानसिक विकास है शारीरिक विकास है वो पूर्ण तरह से हो सके। क्योंकि बच्चा है वो एक तो आप उसे बाहरी दूध है बाहरी खान पान की जो चीजें वो खिलाएंगे तो बच्चा, क्योंकि इतना छोटा बालक है वो अभी तो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और उसे जब ऐसे जो स्ट्रॉन्ग चीजें वगैरह दे देते हैं तो बालक का सही विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बालक के जो पाचन तंत्र है वो क्षमता भी कम होती है और इस जो एज में बच्चा है वो अपनी माँ का दूध ही हजम कर पाता है। इसीलिए ये बात कही गई कि 4 से 6 माह को बच्चे को माता का दूध दिया जाए। देखिए क्या हम देखते हैं कि जो बच्चा बाहर जैसे कि कोई माता होती है वो नहीं मिला पाती किसी कारणवश, तो बच्चे हैं वो प्रारंभ से ही वो कमजोर रहते हैं क्योंकि या तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है या फिर बच्चे हैं वो जल्दी चलना चल बोलना नहीं सीख पाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है और यही समस्याएं आगे जाकर उन्हें उनकी शिक्षा को बाधित करती है। इसीलिए सरकार ने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अपने बच्चों को जन्म देती है तो 4 से 6 माह तक वो अपना दूध उन बच्चों को पिलाए। इसके अलावा प्रसव के समय स्त्रियों को पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए, समय स्त्रियों को पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये बात कही गई क्योंकि सुविधाओं के अभाव में स्त्रियों को जब प्रसव होता है तब बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं पर ऐसा होता है कि वह व्हीकल नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है, कहीं पर जो पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि जो हॉस्पिटल को लेकर जाए, तो सरकार यदि ऐसी योजनाएं चला लेंगी तो जो आम आदमी है वो भी सजग हो जाएगा। और इसमें क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट ने ही सारी सुविधाएं खोल रखी है कि मतलब जब बच्चा गर्भ रहता है और जब वो जन्म लेता है यहाँ तक कि पूरी जो सुविधाएं हैं वो सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, तो उस समय भी ये बात कही गई कि जो स्त्री गर्भवती स्त्री है यदि उसका प्रारंभिक अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी सही पोषण प्राप्त करेगा और बच्चा यदि सही पोषण प्राप्त करेगा तो आगे जाके वो सामान्य बालक ही बनेगा, उसे विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में हम लग नहीं ला सकते, मतलब कि विशिष्ट नहीं बनेगा और ना ही उनके अंदर कोई विकलांगता आएगी। हम चाहते क्या है कि जो अक्षम बालक है वो प्रारंभ से ही अक्षम ना हो, ठीक है। अब हम उनको खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन ये कुछ प्रयास है जिनके माध्यम से हम अक्षमता को कम कर सकते हैं, तो स्त्रियों को पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए जब उनका प्रसव हो। इसके अलावा गर्भ के समय स्त्रियों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाए जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा स्त्रियों का जब वजन कम होता है प्रारंभिक हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियां हैं वो कंसीव करने के बाद भी उनका वजन है जो वेट है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो वो वेट नहीं बढ़ता है इसी कारण जो बच्चा है वो भी कुपोषण का शिकार होता है, बच्चा भी कमजोर जन्म लेता है। इसीलिए प्रारंभ से ही जो गवर्नमेंट है आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पर स्त्रियों की पूरी जाँच की जाती है जिससे कि वजन कम है तो उसका कारण क्या है, बच्चा है वो अंदर विकसित किस प्रकार से हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी जांचें की जाती है। तो वहां पर भी इस प्रकार की सारी बातें हुई जिससे कि स्त्रियों का स्वास्थ्य यदि सही रहेगा तो जन्म लेने वाला बालक भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बालक
भी खान पान है वो भी उच्च स्तर का मिलेगा, रहन सहन है वो भी उच्च स्तर का मिलेगा, और यदि अगर हम शिक्षा की बात करें तो बच्चा शिक्षण से संबंधित कार्य भी उच्च स्तर का करेगा। तो सर्वप्रथम शिक्षा के अंतर्गत ये बात बताई गई कि परिवार नियोजन को अपनाया जाए, अभिभावकों को परिवारों को ये बताया जाए कि आप परिवार का परिवार को नियोजन करें, यदि जनसंख्या वृद्धि है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि एक दो तीन बच्चे होते हैं लेकिन यदि उससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो परिवार है उन पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो वहाँ सम्मेलन में ये बातचीत भी की गई, तो शिक्षा का स्तर उसको उच्च बनाना है तो परिवार नियोजन को अपनाना होगा। इसके अलावा जो सरकार है वो निःशुल्क शिक्षा देगी, प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देगी, सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है, इससे संबंधित बातचीत की गई। अब लास्ट बिंदु है हमारा संरक्षण। जब बच्चों के संरक्षण की बात की गई इसके अंतर्गत तो जो संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में चर्चा की गई कि जो बच्चे हैं बचपन से ही ये मजदूरी फैक्ट्रियों में काम करने लग जाते हैं तो उनसे संबंधित बात की गई कि बच्चों को इस उम्र में शिक्षा प्रदान की जाए, उससे संबंधित नियम बनाए गए और उन नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि बच्चों को यदि संरक्षण करना है, बच्चे अगर बालपन में ही बचपन में यदि अगर वो किसी व्यवसाय के अंतर्गत किसी उद्योग धंधे के अंदर लगना चाहेंगे तो वो शिक्षा पर अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संरक्षण के अंतर्गत ये बताया गया कि बालकों को जो ये बच्चे हैं वो कम उम्र में काम धंधे पर लग जाते हैं इस पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार सम्मेलन में ये मुख्य बातें जो मैंने बताई इन पर ध्यान दिया गया। अब है हमारा पत्रकारिक प्रश्न। गृहकारी प्रश्न के अंतर्गत आपको बालकों के लिए यूनिसेफ विश्व शिक्षा सम्मेलन ठीक है। तो ये सम्मेलन है